नहीं तो देश की जनता जो है हमको माफ नहीं करेगी। और इसी वजह से बीजेपी तभी से, जब से पिछले साल यहाँ से हम लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया, तब से ही बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और बेचैनी है। जाहिर सी बात है होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है। जो हम लोग लोगों को कलम पकड़ाना चाहते हैं और ये लोग लोगों के हाथ में लाठी देना चाहते हैं, ये कहना है बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि हम लोग देश को जोड़ते हैं और ये लोग तोड़ते हैं, हम लोग कलम पकड़ाते हैं तो ये लाठियां हाथ में थमाते हैं। कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है, तो ये आने वाले समय में केंद्र की सरकार जो है वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है और ये चाहती है कि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन नेशन वन पार्टी हो जाए, वन नेशन वन लीडर हो जाए, तो ये हम होने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हम तो पहले ही कह कि वही अगस्त का महीना जहां हम लोगों ने बिहार ने करके दिखाया, भाजपा को भगाया और एक बिहार की धरती से पूरे देश भर में संदेश देने का काम किया। सामने जहां भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही थी, उसके ऑपरेशन को चकनाचूर बिहार की धरती ने किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सब लोग जिस दिन साथ हुए थे 8-9 अगस्त को पिछले साल, तो एक बात प्रेस मीडिया के सामने हम लोग खुद आकर के कहे थे कि देश में सब लोगों को साथ जोड़ना है और हम लोगों का पहल जो है रंग लाया। माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी लगातार प्रयास करते थे, नीतीश जी के साथ हम खुद सभी नेताओं से मिलने गए और सब लोग एग्री हुए कि भाई चलो अब मौका है, हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता जो है हमको माफ नहीं करेगी। और इसी वजह से बीजेपी तभी से, जब से पिछले साल यहाँ से हम लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया, तब से ही बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और बेचैनी है। जाहिर सी बात है होगी कि उनको चुनौती मिल रहा है। जो जनता चाहती थी एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं और तीसरी बैठक भी होगी बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी सामूहिक रूप, सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, ये देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। उसमें बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो, जहाँ भी रीजन्स पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कब्जा कर लिया जाए, दिल्ली में फल्ला उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हो, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो धीरे तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आई है। सवाल है कि वन नेशन वन इनकम नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। सवाल है, इससे कुछ नहीं होगा।
सर सामने कुछ नहीं चलने वाला। ये तानाशाही प्रकृति, मानसिक प्रकृति जो है ये दिखाता है कि हम ही होंगे तो होंगे, नहीं तो और कोई नहीं होगा। सीट शेयरिंग कितना है ना, ये देश हमारा ऐसे तो नहीं चलाएगा, ये देश की खूबसूरती तो है नहीं। लेकिन अगर एक आदमी के हवाले देना तो हम लोग तो राजा महाराजा से हम लोग को छुटकारा मिला, अंग्रेजों से छुटकारा मिला, केवल मोदी जी के एक आदमी को पूरा सत्ता देने के लिए मिला क्या? यही 70-75 साल में चाहते थे क्या वो? ये तो बेकार की बात है। एक आदमी के हाथ में दे दीजिए पूरा देश का कमान, वो क्या करेगा? वन फ्रेंड कौन है सर वो फ्रेंड? लेकिन बीजेपी कह रही है कि वन नेशन वन इनकम नहीं हो सकता ना। राहुल गांधी ने के गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी जी आपको अब फ्रेंड है, पार्टनर है, तो सवाल ओपन में है। तेजस्वी जी वन नेशन वन इनकम की बात चल रही है, बीजेपी इस पे एग्री नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में क्या चल रही है? 5 कमेटियां बन गई, क्या चलेगी सर सामने? कभी सोचता भी नहीं था बैठेंगे, वो साथ बैठ करके 3-3 मीटिंग करके कमेटी बना रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है देश की जो संविधान है, लोकतंत्र है, भाईचारा है, इसको हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। पीस रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कल कमेटी भी बनाई गई है, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी है वो बना दी गई है, तो ऐसे में अब इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। और लगातार तेजस्वी यादव ने कल रात भी और आज एक बार फिर से इस वन नेशन वन इलेक्शन का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एचडी न्यूज पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।